और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का भाई दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं, संविधान बचाने के नाम पे दलित भाइयों का वोट ले लेते हैं। आशीर्वाद मिल जाएगा, वही यहां से विधायक बन के जाएगा, आप लोगों ने बता दिया है। लेकिन मित्रों, आपको इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। हम सबके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी बहुत जल्दी एक स्टेटमेंट दिया है और बहन जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को दलित और मुसलमान चुनाव का समझ लेकर रहता है, पाकिस्तान में डिस्पोजल बना देती है कांग्रेस के लोगों को। ये बहन जी का भी जल्द का ट्वीट है कर्नाटक चुनाव के बाद का, और ये सच्चाई है। दलित और मुसलमानों को कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक डिस्पोजल ही बनाया है। वोट लेने के बाद कई वर्ग के लोगों का ध्यान बदल लेता है और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का भाई दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते हैं, संविधान बचाने के नाम पे दलित भाइयों का वोट ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, और हमारे लोगों के बीच में जाकर कहते हैं बहुजन समाज पार्टी जीतती नहीं है, पार्टी को खराब करते हो। आप ये कहते हैं बहुजन समाज पार्टी जीतती नहीं है, लेकिन जो जीत जाते हैं वो जीतते नहीं है। इसका उदाहरण तो देना है, पिछले 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन थे, दो विधायकों का समर्थन प्राप्त था, भाजपा चाहती थी उन दोनों विधायकों को तोड़कर खरीद कर मंत्री संत्री बनाकर सरकार गिरा सकती थी कांग्रेस का। लेकिन इन तमाम महापुरुषों के विचारधारा के दोनों विधायक बहुजन समाज पार्टी में भी टूटे, और जो ना टूटने वाले लोग हैं जिनको भाजपा का भय दिखाकर मुसलमानों और दलितों का वोट लेकर जिता लेते हैं कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस के 36 और 28 विधायक जीते हैं।